तो यहाँ पे मेरे पे टोटल 3 नेड होते हैं अभी के अभी, ठीक है। 3 सेकंड में 3 नेड पेल दिए। मुझे पता है अगर मैं उस दरवाजे के, तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम, और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू पबजी द मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और हाँ, मुझे कल जुकाम था, आज खांसी भी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, वॉइस ओवर नहीं रुकनी चाहिए। खैर देखो, ये पुराना गेम प्ले है ना, अपडेट से पहले खेला हुआ गेम प्ले, क्योंकि यार अपडेट में ना बहुत गलत सीन आए हैं। खैर यहाँ पे मैं कई सारी गोली बर्बाद करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। और यार देखो, सीजन खत्म होने को आया है तो जॉर्ज में कई बंदे आए हैं, और यहां पे मैं समझ नहीं पा रहा होता हूं कि क्या करूं। अब सामने वाले बेराउज में एक निहत्ता बंदा भागा है ना, लेकिन देखो अभी निहत्ता अंदर गया है, लेकिन जहां तक मुझे पता है बंदा निहत्ता वापस नहीं आएगा, गन लेके आएगा। तो हम इस बोट को जल्दी दैट पैड पेलते हैं, और मैं साइड जाता हूँ, रिलोड वगैरह करता हूँ, क्योंकि देखो उस बंदे को गन मिल गई होगी और उसे पेलने का टाइम आ गया है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार पबजी टूर्नामेंट ऐप की। तो वॉर ऑफ रॉयल में आप कई सारे पबजी के पेड और फ्री टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं और पैसे अर्न कर सकते हैं, और इसमें एंट्री फी बहुत कम होती है विनिंग प्राइस से कंपेयर्ड। और अगर आपको ऐप में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप वो आराम से सॉल्व कर सकते हो हेल्प एंड सपोर्ट के थ्रू। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि जैसे जैसे आप किल्स करोगे, टूर्नामेंट जीतोगे, वैसे वैसे आपका अचीवमेंट लेवल बढ़ेगा, और जितना हाई लेवल उतने हाई प्राइसेस। और जब आप रूबी और कोहिनूर पहुंचते हैं तो आपको 800 और 1000 रुपए तक मिलते हैं सीधा आपके वॉलेट में, तो दिक्कत किधर आ रही है। और उससे भी ज्यादा बढ़िया बात यह है कि आपको पर फ्रेंड रेफर 50 रुपीज मिलेंगे। तो यार आप कई सारे टूर्नामेंट खेल सकते हो इससे, और भी ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हो, और इससे पैसे विड्रॉ करना भी बहुत आसान है। पेटीएम, यूपीआई सब कुछ है इसमें। तो हाँ यार, इस ऐप को जरूर ट्राई करके देखो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और भाई को मिली भी तो क्या मिली, S12 के। खैर इस बंदे की मैंने हेल्थ पहले ही लो कर दी थी, तो भैया एक आध गोली में ठिल गए, नहीं तो एक फटका पड़ता मेरे और मैं डेड पैड नॉक। और देखो ये जो मैं 3x लगा के चीज कर रहा हूं ना बैरल के साथ, इसे कहते हैं गोली का अनादर करना, बर्बाद करना गोली को। मतलब मुझे पता है यार कद्दू भी नोक नहीं होगा बंदा, फिर भी चलाए जा रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ी गोली बर्बाद करके मैं सुधर जाऊंगा, अभी निहत्ता ठिलने वाला था, मतलब गोली खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी बर्बाद करे जा रहा हूं मैं गोली। खैर वो बंदा सामने की तरफ भग चुका है, तो मैं उसके पीछे भगता हूं बिल्कुल ही। तो यही होता है यार, अगर आप एक बंदे का बहुत देर तक पीछा करने की कोशिश करते हो, ठीक है, मतलब वो भग गया था अपना, ठीक है उसे जाने दे सकता था मैं, लेकिन नहीं यार, उसका पीछा करना है तो इतने में ही बगल से कोई और पेल देता है। खैर भले ही मैं नॉक हुआ, भले ही मेरी पेटी बनने वाली थी अभी, लेकिन ढीठ होने के कारण उस जिसका पीछा कर रहे थे उसको पेल ही देता हूं, वो बॉट को लूट रहा होता है उधर ओपन में। और यही होता है जब आप बहुत ढीठ होते हो, ठीक है, मुझे पता है मेरी गोली खत्म होगी, फिर मैं निहत्ता ठिल सकता हूं, लेकिन उसके बाद भी 3x लगा के स्प्रे दिए जा रहा हूं, रुक नहीं रहा हूं, और उसके बाद यहां से भी फुट स्टेप आने लगते तो मैं सीधा आगे जाता हूं, ठीक है, और बंदा यहीं बैठा होता है कतई।
और यार यहाँ पे देखो, मुझे सही में ऐसा लग रहा था कि मैं कद्दू भी नहीं बच पाऊंगा। ठीक है, मैं बिल्कुल आस छोड़ के रस कर रहा था। मैं बोल रहा था यार पेटी तो बनेगी, कोई नहीं अगला गेम खेल लेंगे। लेकिन यार S12K की ताकत आपको पता है, मतलब बिल्कुल सामने हो ना आप और एक गोली पड़ गई ठीक से, और पबजी ने कोई नशे नहीं दिया आपको, तो बंदा नॉक हो जाता है 100%। तो इन दोनों बंदों को भी भाई 5 गोली में ले जाता हूँ, है ना। मुझे लग रहा था यार जब दूसरा बंदा भी आ गया कि भाई अब तो गन रिलोड में जाएगी, अब तो पेटी बनेगी। लेकिन भाई एक गोली थी, चलाई और लग गई गोली और पेटी उसकी बन गई। खैर यहां से भैया थोड़ा लूट लाट लेते हम, है ना। गोली वापस मिलेगी अपने को थोड़ी, और मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। यहीं पे आ गया यार उसे पेल ने, जो ऊपर कंटेनर में कूद रहा था बंदा। तो अब उतर गए होंगे भाई, तो उनको भी पकड़ के पेलने की कोशिश करते हैं। और देखो यार बंदा किधर पे लूट रहा होता है। अब हमारे भाई उस टावर के अंदर क्या करने गए? मेरे ख्याल से उनने किसी को पेला होगा, या फिर वहां पे लूट लाट पड़ी होगी, है ना। सस्ते बैंडेज या महंगी मेडकिट पड़ी होगी, तो भाई चढ़ गए उसके अंदर। मैंने बोला यार ऐसे तो नहीं होगा, सीधा सर पे गोली लगती है उस बंदे के। और यहाँ पे पता चलता है कि भाई ये जो पीछे बेरा उसे इसमें बंदे हैं। ठीक है, तो मुझे ये कद्दू भी नहीं पता होता कि कितने बंदे हैं। मैं सोचता हूँ यार जोर जाए थे बंदे, पेटियां बन की होगी, एका जो भी बंदे होंगे पेल देंगे इन्हें। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ ना, वैसे वैसे फुट स्टेप गोली और बंदे बढ़ते जाते हैं। तो सामने बेरा उसके अंदर बंदे बैठे, मेरे पे एक सस्ता नेड होता है, तो मैं ऐसे ही फेंक देता हूँ इसे। और ये बंदा मेरे ख्याल से नेट से बचने के लिए बाहर भी आ गया था, लेकिन उसके बाद भी नेट फट गया। तुक्का सही लग जाता है यार कभी कभी, मजा टैप ही आ गया बिल्कुल। अब वो भाई उधर रेंगते हुए गया है पूरी उम्मीद के साथ। तो इसी के साथ मुझे पता चल जाता है यार कोई ना कोई जरूर जिंदा है यहाँ पे, और भाई रिवाइव दे रहे होते हैं कतई। और ये वही बंदा था जिसे मैंने सबसे पहले नेट से नॉक किया था। मतलब यार चाहे कुछ भी हो, नेट से किल नहीं मिलेगा। नॉक हो गया बंदा इस बार तुक्के से, लेकिन रिवाइव हो गया तो भाई को AKM से ही पेलना पड़ा। तो ये सो कॉल्ड भी वाइप हो जाती है। मुझे नहीं पता बाकी बंदे यहाँ पे जिंदा है कि नहीं, मुझे बस इतना पता है कि यार अब मैं अंधा लूटूंगा और निकल लूंगा यहाँ से, है ना। देखो 14 किल हो चुके हैं, ज्यादा यहाँ पे गलत सीन लेंगे तो पेटी भी बन सकती है। और जहां तक मुझे पता है एक आध बंदे जिंदा हो गए। और यार एक आध बंदे जब जिंदा होते हैं ना, तो जो कैंपिंग होती है ना भाई, वो बहुत अलग लेवल पे होती है। खैर यहाँ पे निकल लेता हूँ मैं यहाँ से, है ना, क्योंकि मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना। और अब जहां पे जाएंगे ना भाई, वहां पे इतनी सुकौड होंगी कि मैं गिन नहीं पाया कितनी सुकौड है। बंदे भैया पूछो मत, एक दूसरे को पेले जा रहे हैं, मुझे पेले जा रहे हैं, तो हाँ टोटल गलत सीन होने वाले हैं। और ये जो गाड़ी में मैं बैठा हूं ना भाई, ये बहुत ही सस्ती है, मतलब इसमें सीधा सर पे गोली लगती है, सीधा सर पे। अब यहाँ पे आगे एक आध बंदूकें चल रही होती हैं, तो मुझे लगता है यार ऐसी चल रही होगी, मजाक में लड़ रहे होंगे बंदे, कोई नहीं आराम से पेलेंगे। लेकिन मैं बहुत गलत होता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पे टोटल 3 नेड होते हैं अभी के अभी। ठीक है, 3 सेकंड में 3 नेड पेल दिए। मुझे पता है अगर मैं उस दरवाजे के पास रहूंगा तो मेरे पे नेड होंगे, लेकिन यार ढीठता क्या ही कर सकते हैं अब। और यार मुझे ऐसा लग रहा है इस मैच में कुछ मैं ज्यादा ही ढीठता कर रहा हूं, है ना। मतलब भैया अब गोलियां बर्बाद करनी है, बगैर हील किए रस करना है। मतलब देखो यार हील करने का मन नहीं करता जब आप पे बैंडेज होते हैं, ये बात आपको भी पता होगी। ठीक है, कौन पेलता रहेगा भैया 3 सेकंड, वो हाथ ऐसे गोल गोल घुमाएगा जैसे कतई नच बलिए में आ रखा हो, गोल गोल हाथ घुमाएगा, उसके बाद इतनी सी हेल्थ हील होती है यार, उससे बढ़िया मैं नंगा ही रस कर दूं।
और ऐसे ठिल जाऊं। अब यहां पे हमने एक चीज बहुत सही कर दी, वो था ऊपर आ जाना करके। ठीक है, ये 200 कॉर्ड यहां पे ओपन में लड़ते हैं। देखो समोक वगैरह हो रखा है, पेटी पुटी बनी पड़ी होगी यहां पे। मैं इसको पहले जा ही रहा था कि वो बंदा पेल देता है। ठीक है यार, मतलब एक किल कम हुई कोई दिक्कत नहीं है, अपन जिंदा है वो ज्यादा जरूरी है। वैसे किल भी जरूरी है लेकिन अपन जिंदा है ढीठता के बाद भी वो ज्यादा जरूरी है। खैर यहाँ पे आके मैं लूटना चालू करता हूँ। भैया 4-5 पेटी पड़ी है तो मैं अंधा लूटता हूँ यहाँ पे बिल्कुल। और यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई सही है, जो भी स्क्वाड थी 2-3 स्क्वाड लड़ गई, भिड़ गई, हम जिंदा हैं, बहुत ही बढ़िया। लेकिन उतने में ही कोई मेरे पे ऊपर से AWM या तो M24 चलाता है, बिल्कुल कान के बगल से जाती है सू करके कतई। अब ओपन से तो बंदे आ ही रहे हैं लेकिन सामने वाले घर पे भी बंदे हैं। दोबारा से यहां पे मैं गोलियां बर्बाद कर रहा हूं लेकिन यार इस बार बैग में भर भर के गोलियां, तो दिल खोल के बर्बाद करेंगे गोलियों को। और यहां मैं एक बार फिर किसी और बंदे का पीछा करते हुए ठिलने वाला था। मतलब मैं इनका पीछा करता हूँ, काफी गोलियां पेलता हूँ यार, फिर मैं बोलता हूँ यार अब तो घुसना ही पड़ेगा, और साइड से कोई M4 पटका देता है। और यहां मुझे एक बार फिर से ऐसा लगता है कि सही है यार, मतलब 3-4 बंदे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 होंगे, आराम से पेलेंगे। लेकिन यहां पे 3-4 बंदे का तो पता नहीं, 3-4 स्क्वाड जरूर होती है। और देखो यहाँ पे ये हालत हो रखी है कि भाई आप TPP भी नहीं ले सकते, घर के अंदर TPP लोगे तो भी M24 पटक रही है सर पे। यहाँ पे मैं अपनी पेटी पे खेल के ये जो छत पे बंदा बैठा होता है ना TPP लेके, इस पे रस करता हूँ, इसे नॉक करता हूँ। उतने में ही क्या होता है, कोई बंदा दूर से स्नाइपिंग करके उसकी पेटी बना के मेरी किल चुराना चाह रहा है। ठीक है, तो एक स्क्वाड के 2-3 बंदे मैं यहाँ पे पेलता हूँ, इसको ढूंढ रहा हूँ मैं कि भाई ये गया किधर। ठीक है, यही दीवार के पार नॉक किया था भाई, बंदा किधर गायब हो गया पता ही नहीं चलता। फिर बाद में पता चलता है कि भाई वहीं पे रुके पड़े हैं। और उतने में ही जोन भाई भी आ जाते हैं तो मैं आगे निकल लेता हूँ। यार मुझे लगता है कि ठीक है ये 3 ही बंदे थे, चौथा बंदा कहीं और होगा इनका। और बाद में पता चलता है चौथा बंदा इसी घर पे कैंप करके बैठा होता है कहीं। इसी घर पे एनिमीज अहेड, यहीं पे होगा फिर, मैं यहां से कूद के आया ना। अब मैं उस घर पे घंटों बैठा था, ठीक है, मुझे कद्दू कोई नहीं दिखा। अब न जाने कहां से वो बंदा आ चुका है अंदर और अब उसने दिक्कत दे दी है। तो करना क्या होता है यार, मैं सोच रहा हूं तो चलो कोई नहीं भाग लेंगे, दिक्कत किधर आ रही है, पीछे की साइड भागेंगे। और पीछे के साइड भी एक स्क्वाड बैठी पड़ी होती है। और यहाँ पे यार मैं बहाना भी क्या दूं, मैं सही में नहीं समझ पा रहा हूं। मतलब मुझे लगता है यार ये भी बंदा है, इसे भी जोन जाना होगा, इसे भी डर लगेगा जोन का। तो मैं प्री फायर देता हूं पीछे खिड़की से, मुझे लगता है यार बंदा भग गया होगा। मैं आता हूं भगते हुए, बंदा मेरे मुंह के सामने। और यहां पे मुझे लग नहीं रहा था कि मैं फिर से बच पाऊंगा, लेकिन हाँ तुम्हारा भाई फिर से बच गया। लेकिन जब मैं यहां पे रिवाइव होता हूं ना, मैं समझ जाता हूं कि भाई पबजी वाले चाहते हैं कि मैं चिकन करूं इस मैच में, तभी मुझे इतने मौके दिए जा रहे हैं। तो देखो अब मुझे क्या लग रहा है, एक बंदा जो उस घर पे था जोन के बाहर वही बाकी होगा। हाँ दिक्कत किधर आ रही है, ये बंदा जिस भी टीम का था ठीक है पेल दिया इसे, अब वो बंदा बाकी होगा तो अपन लोग आराम से जोन में निकल लेंगे। और हाँ एक बार फिर से, मुझे नहीं पता एक गेम में 5वीं 6ठी बार मैं फिर से गलत होता हूं, क्योंकि यहां पे एक और स्क्वाड बैठी पड़ी है। और तैयार हो जाओ यार क्योंकि होने वाला है सांप का चक्कर, मौत से टक्कर।
पहले यहां मैं सोचता हूँ यार कि बस एक ही बंदा सांप बना होगा, ठीक है रुक गया होगा, भाई को रुकना पड़ा होगा। बाद में पता चलता है कि इस बंदे की पूरी स्क्वाड बैठी पड़ी है यहाँ पे, पूरी स्क्वाड। वैसे तीन ही बंदे हैं शायद, क्योंकि एक की शायद मेरे टीममेट ने पीछे पेटी बना दी, लेकिन हाँ बंदे भर भर के बैठे हैं। जोन आने वाला है, लेकिन भाई यहाँ पे सांप बन के बैठा था। खैर कोई नहीं यार, अब इनके बाकी बंदों को पेलते जो पीछे से एसकेएस पटका रहे हैं। अब वो आखिरी बंदा होता है, लेकिन यार मेरी गन की आखिरी गोली भी बर्बाद हो जाती है। तो मैं बोलता हूँ यार जोन आ गया है, 3 सेकंड में जोन हमारी पेटी बना देगा, तो क्यों ना गाड़ी से ही रस कर दिया जाए, जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ पे ना मुझे लूट की सख्त जरूरत है, मतलब हद से ज्यादा। देखो गोलियां भी लगभग 100 बाकी हैं, और यार आपको पता है कैसे ढीठता से मैं बर्बाद करता हूँ, तो 100 गोली कब खत्म होगी मुझे कद्दू भी पता नहीं चलेगा। ठीक है हेलमेट की ऐसी तैसी हो रखी है, लाल हो रखा है बिल्कुल। और यार वेस्ट तो भाई पूछो मत, नंगा घूम रहा हूं मैं यहाँ पे, नंगा मतलब एक आध गोली लगेगी मुझे AKM की, भाई मैं जमीन पे नॉक और सीधा पेटी। इतनी बुरी हालत होती है जब वैष्णव आप पे, लेकिन आप क्या ही कर सकते हैं यार, जोन भाई आ गए थे तो जोन पे निकलना होता है। और इधर ड्रॉप पे आता हूं मैं पहले। तो यहाँ पे सीन क्या होता है, यही हमारे पीछे एक डिरॉप गिरा होता है, ठीक है इनका एक टीम में डिरॉप लूट के घर पे बैठ चुका होता है, और ये बंदा मेरे ख्याल से पैदल भग रहा होता है, तो हम लोग आ जाते हैं भाई, सांप बन जाते हैं। और यार जब सांप दिखे तो यार झाड़ी झंकट की जगह मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखती है, वो है फुटपाथ, और गाड़ी सीधा ऊपर से निकलती है बंदे के। और ये भाई भी घर पे बैठ के आगे आगे आ रहे होते, तो इनकी AKM से पेटी बना देते हैं। और यार ये पेटी लूट के ना जो सेटिस्फेक्शन मिला है ना भाई, वो शायद ही किसी और चीज में मिलेगा, शायद ही। और हाँ नया अपडेट आ चुका है, मैंने एक आध मैच खेले भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्यों गुलाटी क्यों मारनी है पैराशूट से उतर के। ठीक है होता है ना भाई कि चलो भैया सटाई ले भाई, कतई जहर भाई, पैराशूट से उतरा गुलाटियां पेल रहा है, मजा आ रहा है देख के भाई, नहीं पबजी मजा नहीं आ रहा है, बहुत बेकार लग रहा है। मुझे नहीं पता क्यों इनका गेम थोड़ी देर के लिए अच्छे से चलता है, उसके बाद ये लग जाते हैं गेम की ऐसी तैसी करने में। मैं नहीं समझ पाऊंगा यार क्यों मारनी है गुलाटी, मैं जोर के कंटेनरों में उतरता हूं और बंदा गुलाटी पेल के जमीन पे आ जाता है। और जो इस बंदे ने किया ना, वो करने के लिए यार जिगरा चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, चौड़ होनी चाहिए बंदे में। मतलब मुझे लगा यार ये दो बंदे होंगे, है ना दो ही अलाइव थे, मुझे लगा दो बंदे होंगे गाड़ी में। मैं गाड़ी रोकता हूँ यार, एक अकेला बंदा वो मुझे कुचलने की कोशिश कर रहा है, ना जाने क्या ही करना चाह रहे थे भाई। खैर यहाँ पे बस एक ही बंदा बाकी होता है जो कि बन रखा है सांप, और यार इस बंदे को हम इतना तंग कर देते हैं ना कि ये बंदा हार मान जाता है, मतलब ये बंदा समझ जाता है कि यार इससे नहीं हो पाएगा, और हम और पे भी बकवास कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ना यार दो चीज हो सकती है, या तो उस बंदे ने हमारी ओल पे आवाज सुन ली जिसका मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन या तो फिर ये हुआ कि बंदे को पता चल गया उसकी पेटी बनने वाली है। ठीक है ये स्कैम मेरे साथ एक बार पहले भी हुआ था, मेरे सामने बंदा था, आपने देखी होगी यार वीडियो, बहुत गलत स्कैम हुआ था, नहीं देखी तो देखना जरूर, आपको मजा आएगा, लेकिन मेरा दिल टूट गया था उस मैच में। तो ये बंदा भी शायद समझ जाता है कि यार अब कुछ ना हो पाएगा, इसकी पेटी बनना 100% हो चुका है, तो भाई बिल्कुल गन गुन हटा देते हैं। और यार जब बंदा गन हटाता है तो कैसे कैसे कोई उसे पेल सकता है। वैसे मैं मिट्टी दिल इंसान हूं, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा यार भाई से कुछ खतरनाक कवात करवाते हैं, तो हाँ मैंने नहीं पेला इसे अभी। भाई यार भीख मांग रहा हूँ, भीख
गाना नहीं आता। अरे कोई सा भी गा दो यार, कोई सा भी गा दो, बस एक दो लाइन गा दो, बस दो लाइन तो गानी, दो लाइन तो याद होगी यार कोई भी गाने की। अलविदा ओ जो अलविदा हो गया। एक और बार यार तुम गाना तो थोड़ा ऐसे गाओ ना जो सबको सुना हो, तुम अपना गाना गा रहे हो फिर। इस बंदे का वो गाना सुन के ना, वो गाना था यार जो भी भाई ने बोला अलविदा हो जाओगे, ठीक है ये सुन के ना मुझे पता चल गया कि भाई मैं पत्थर के नीचे रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता दिन दुनिया का। ठीक है देखो यार मेरे को तो एक आधी गाने आते वो राइडर प्रोवाइडर बस वही, ठीक है मैं सुबह वही सुनता हूँ, सोते समय वही सुनता हूँ, वॉइस ओवर के बाद वही सुनूंगा, लेकिन हमारे भाई अलविदा हो जाओगे मुझे नहीं पता ये कौन सा गाना है, क्योंकि यार अपन उस लेवल पे नहीं है, हम भाई के लेवल पे नहीं है। ठीक है तो भाई को शर्म आ जाती है, मतलब यार कमाल यार एक गाना गाने में भाई को शर्म आ जाती है। मैं बताऊँ क्या बोलता हूँ भाई को, मैं बोलता हूँ भाई आप दो लाइन, ठीक है बस दो लाइन सुना दो कोई भी गाने की जो कि मैंने सुना हो। मुझे पता है मैंने ज़्यादा गाने नहीं सुने, मैं आपके लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ दो लाइन ढंग के सुना दो। लेकिन भाई बोलते यार अलविदा हो जाओगे, अरे भैया हलवा बना के रखा है इसने। तो उसके बाद भी मैं बोलता हूँ कि कोई नहीं भाई, चलो आपने कोशिश की, आप हम दोनों को पेल दो, मैं बंदे को अपनी ग्रोजा थमा देता हूँ, ठीक है। लेकिन भाई पेलना भी नहीं है, उसके बाद बंदा माइक ही बंद कर देता है। तो मैं उठाता हूँ नेट, मैं बोलता हूँ यार जो ठिलेगा ठिलेगा, और वैसे मुझे पता था कि नेट से वही बंदा ठिलेगा, लेकिन हाँ फिर भी देखो मैंने उस बंदे को बोला कि भाई पेटी बना दो, है ना हमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो अलविदा हो जाओगे ठीक है भाई आपका गाना है मैंने नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार बंदा पेटी बनाने को भी तैयार नहीं, तो मैंने सोचा यार क्यों ना नेट हाथ में फोड़ लिया जाए। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आप यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और भी ऐसे गलत सीन, गलत गाने, सस्ते गाने जो कि आपने कभी ना सुने हो, और सस्ती कमेंट्री के लिए। तो आज की वीडियो में इतने ही भाई लोग यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते वॉर एप्लीकेशन को चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। तो कल मिलते हैं भाई लोग यार, जाते जाते लाइक जरूर कर देना वीडियो को। बाय बाय।